Hi guys, I'm Pompey. Welcome back to my channel. सो गाइस, ये ड्रेस जो है लाइक नीचे थोड़ा सा नीचे आता है ये ड्रेस. इसका मटेरियल इज वेरी गुड. इस ड्रेस को आप इधर से भी पहन सकते हो और इधर से भी पहन सकते हैं. तो ये ऐसा है ये ड्रेस. होप यू गाइस कैन सी. ये ड्रेस को आप ऑफिस में भी पहन सकते हो. आप किसी पार्टी में भी पहन के जा सकते हो, लाइक इवनिंग सॉर्ट पर किसी का बर्थडे हो गया, लाइक कॉफी पीने जा रहे हो, वैसे तब भी पहन सकते हो आप. ये बहुत क्यूट ड्रेस है ये. एंड सेकेंड ड्रेस है, आप बोलोगे सेम प्रिंट है. तो ये और एक बात है गाइस, ये ड्रेस इसकी हाइट थोड़ा मतलब ये थोड़ा लंबा है. ओके, ये आप देख सकते हो लेंथ. ये ऐसे भी पहन सकते हो और ऐसे भी पहन सकते हो. बॉडीकॉन ड्रेस है ये भी. बॉडीकॉन ड्रेस ही था. तो इस पर आपकी टमी रहेगी तो आप नहीं पहन सकते हो, बट ऐसे आप पहन सकते हो. आप टमी टकर पहन के भी पहन सकते हो इस ड्रेस को. एंड इट्स वेरी क्यूट. मैं जब जब ये ड्रेस पहनी हूँ मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले हैं. नेक्स्ट ये वाला है. एक्चुअली इसमें लेस डिटेल है. होप आप सब लोग को दिख रहा है ये. ये बहुत ही क्यूट ड्रेस है. आई लव दिस ड्रेस. ये एक्चुअली मैं आसाम में जब थी, नॉर्थ ईस्ट में, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, तो मैं जब मैं आसाम में थी उस टाइम का. ये कम से कम 7-8-9 ईयर्स हो गया इस ड्रेस को. एंड गाइज, जब भी मैं ये ड्रेस को पहनती हूँ बहुत ही कंफर्टेबल लगता है. ये ड्रेस बहुत ही क्यूट है. नी से थोड़ा सा ऊपर है ये. नेक्स्ट है ये. एक्चुअली ये ऐसा था ये, तो मैंने पीछे से इसे नॉट लगा दिया था. इसकी नेक बहुत ज्यादा डिप है. अगर आप पहनो ना तो ये यहाँ तक आता है. तो इट लुक्स वेरी अनकम्फर्टेबल. इसको मैं एक्चुअली शर्ट के साथ ही ज्यादा पहनती हूँ, बट ये ऐसे भी पहन सकती हूँ. मेरे एक्चुअली आर्म्स बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो मैं इसीलिए इसको एक शर्ट के साथ कैरी करती हूँ. सामने से ऐसा दिखता है. और अगला ड्रेस जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो बहुत ही प्यारा है. अगर आप देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये कितना क्यूट ड्रेस है. लाइक ऐसा, लाइक इट लुक्स सो क्यूट, सो क्लासी. बट नहीं, ये मतलब इसका मटेरियल इतना खराब है. मैंने शीन से, जब शीन था, अभी तो बैन हो गया, तो पहले जब शीन था तब भी मैंने लिया था ये ड्रेस. और मुझे पिक्चर्स में उसके रिव्यूज भी खराब कुछ थे नहीं, बट इसके मटेरियल इतने खराब है. आई विल शो यू. ठीक है, ये देखिए. ठीक है, इट लुक्स सुपर क्यूट. मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है. मतलब ये देख के कोई समझ ही नहीं पाएगा कि इसका क्वालिटी इतना खराब है. मैं प्रॉब्लम बताती हूँ इसका. ये नीचे देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं, पॉलिएस्टर बोलते हैं आई थिंक. ये बहुत ही घटिया क्वालिटी है. मतलब मैं पॉलिएस्टर का ड्रेस कभी भी नहीं पहनती हूँ. मतलब ये मटेरियल अच्छा है, आई डोंट थिंक कि किसी को भी अच्छा लगता होगा ये पॉलिएस्टर पहनना. बहुत ही खराब है इसका मटेरियल. और आज तक मैं न्यू ईयर ईव के लिए खरीदा था ये, तो ये सिर्फ मैंने 1 आवर के लिए पहना था यार, हाफ एन आवर के लिए. आज तक मैंने ये ड्रेस पहना ही नहीं मैंने. अगर आप में से किसी को चाहिए ये ड्रेस तो प्लीज आप मुझे बता दो, तो आई कैन गिव इट टू यू. सो मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है. मैंने सिर्फ हाफ एन आवर और 1 आवर के लिए पहना था हार्डली. ठीक है, है कि नया ही है. तो आप लोग किसी को चाहिए तो प्लीज आप लोग बताओ मुझे. आप बताओ कि कैसे देते हैं गिव अवे वगैरह, कैसे देते, मुझे कुछ नहीं पता है. सो ये 5 ड्रेसेस मुझे दिखाने थे आप लोगों को, कि आप लोग कैसे, किस तरीके से आप लोग स्टाइल कर सकते हो, कैसे ड्रेसेस आपको होने चाहिए. लाइक आप ज्यादा मोटे भी हो, थोड़ा सा हेल्दी भी हो तो चलेगा. कि आई एम नॉट दैट स्लिम ट्रिम. मैं थोड़ी सी बल्कि थोड़ी सी हेल्दी टाइप हूँ, बट मुझे थोड़ा वेट लॉस करना है. बट अभी तो जिम वगैरह खुला ही नहीं है, तो घर पे जितना होता है मैं एक्सरसाइज करती हूँ. सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही. और प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि क्या वीडियो बनाने चाहिए, कैसे लगते हैं आपको मेरे वीडियो, और किस चीज के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.